राजस्थान में आज 49 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। उदयपुर, कोटा और चूरू में 8-8, बाड़मेर में 4, धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और करौली में 3-3 कोरोना पॉजिटिव मिले। झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मिले। श्रीगंगानगर, 12, हनुमानगढ़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 8,414। जयपुर में आज 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और प्रदेश में अब तक 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में 5,244 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 5,244 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान के 33 जिलों में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। आज 49 कोरोना पॉजिटिव मिले राजस्थान में। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच 185 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जयपुर में आज एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और प्रदेश में 185 कोरोना पॉजिटिव अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 5,244 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। 5,244 मरीज ठीक हो चुके हैं, साथ ही 185 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 8,814 ये संख्या हो चुकी है और 185 कोरोना पॉजिटिव अपनी जान गंवा चुके हैं। 5,244 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं राजस्थान में। 33 जिलों में कोरोना वायरस ने पैर पसार लिए हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज 49 नए कोरोना पॉजिटिव मिले राजस्थान में। उदयपुर, कोटा और चूरू में 8-8, बाड़मेर में 4, धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और करौली में 3-3 कोरोना पॉजिटिव मिले। झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, बताएं क्या अपडेट, कोटा में कितने लोग ठीक भी हो रहे हैं? मनीषा, बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफे की बात करें तो कोटा में लगातार लॉकडाउन 4 खुलने के बाद कोरोना पेशेंटों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही जी। सबसे बड़ी दुख की खबर ये है कि कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में गुमानपुरा थाना क्षेत्र उभर कर सामने आया है। लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर 69 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं। ये वो एक ही क्षेत्र है जो गुमानपुरा थाना क्षेत्र के लगभग लगता है, जिसमें बंगाली कॉलोनी, छावनी, कोटड़ी, ये सारा वो एरिया है जो गुमानपुरा थाना क्षेत्र में लगता है। मगर यहाँ की अगर गलियों की बात की जाए तो हर गलियों में कहीं ना कहीं बलियों से बैरिकेडिंग लगाई गई है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 के बाद में कर्फ्यू की जो स्थिति है वो गुमानपुरा थाना क्षेत्र में बढ़ी हुई है। मनीषा, एक और बात है कि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 448 हो चुका है। मगर एक खुशखबरी ये भी है कि अब तक कोरोना पेशेंट जो सही हुए हैं उनकी संख्या भी बड़ी तादाद है। 334 कोरोना पॉजिटिव जो रोगी थे उनकी पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो ये राहत की बात है, जहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता है वहाँ किसी तरह से यहाँ पर चिकित्सा विभाग जो मुस्तैदी से नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनकी जो तादाद में उनकी कमी आ रही है और उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। मनीषा, एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वो यंग आ रहे हैं, कोई 9 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 22 साल का है। और जहाँ तक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता यंग व्यक्ति में ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा तत्पर है। और जो चिकित्सा विभाग है वो भी बार बार में यही कह रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना पॉजिटिव रोगी जल्दी से जल्दी सही होते जा रहे हैं। जी मनीषा, राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कोटा से हमारे साथ जुड़े थे राजेंद्र भारद्वाज, तमाम अपडेट उन्होंने कोटा से हमें दी। लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन जो कोरोना का ग्राफ है वो भी लगातार इस बीच बढ़ता जा रहा है और जो अब नए कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। कोरोना से अब तक 185 लोग राजस्थान में अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी जयपुर में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 49 कोरोना पॉजिटिव आज राजस्थान में मिले।
उदयपुर कोटा और चूरू में 8-8 कोरोना पॉजिटिव मिले। बाड़मेर में 4, धौलपुर झालावाड़ भीलवाड़ा करौली की अगर बात करें यहां 3-3, झुंझुनू भरतपुर और जयपुर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मिले। श्रीगंगानगर 12 और हनुमानगढ़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ 8,414 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। आज जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और इसी के साथ मौतों का जो आंकड़ा है वो 185 हो चुका है। 5,244 कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। तमाम एहतियात लगातार बरती जा रही है। खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार तमाम अधिकारियों से, मेडिकल एसीएस डॉक्टर रोहित कुमार, चिकित्सा मंत्री से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या एहतियात बरती जा रही है, लगातार हर चीज का फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि 33 जिलों में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं और आज 49 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 185 लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर अब तक अपनी जान गंवा दी। आज भी जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। 5,244 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,414। लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और लॉकडाउन 5 को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिए हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि चुनौतियां अभी भी सामने हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने एक मेगा वीसी के जरिए सभी से बातचीत की। तमाम अधिकारी उस वीसी में जुड़े, तमाम मंत्री जुड़े और साथ ही गांव के सरपंच भी जुड़े। सभी लोगों ने फीडबैक दिया, बताया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किन चीजों की कमी है, ताकि उन पर और गौर किया जाए। बेहद सजग होकर, संवेदनशील होकर सूबे के मुख्यमंत्री हर फैसला ले रहे हैं। जनहित में, जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। आज जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 5,244 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और करौली में आज 3-3 कोरोना पॉजिटिव मिले। झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में 2-2। श्रीगंगानगर 12 और हनुमानगढ़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,414। तमाम एहतियात राज्य सरकार बरत रही है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहा है। फीडबैक मुख्यमंत्री खुद लगातार ले रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच राहत की बात यह है कि लोग ठीक हो रहे हैं। हालांकि 185 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। क्या नई अपडेट, कितने एक्टिव केसेस? जी बिल्कुल, लगातार मनीषा पॉजिटिव आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत भरी खबर यही है कि ठीक होने वाले की संख्या लगातार बरकरार है। प्रदेश में आज 49 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 8,414 हो चुकी है। साथ साथ आज जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और इसी के बीच अब जयपुर की बात करें, जयपुर में अब तक 89 कोरोना पॉजिटिव मौत हो चुकी है। साथ ही साथ कुल मिलाकर बात करें तो प्रदेश की तो 185 लोगों के अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। हालांकि जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसी बीच आज जो रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी में आज जहां 49 कोरोना पॉजिटिव है, तो वहां 40 9 बजे
तक के बुलेटिन की बात करें तो 46 रिकवरी हो चुके थे। वही बात करें रिकवरी की, तो बीते दिन जिस तरह से बात करें तो शुक्रवार को जहां कोरोना पॉजिटिव 298 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, वहीं 429 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक भी हुए थे। तो ऐसे में लगातार जो रिकवरी की जो रेट है लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक तकरीबन 5290 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। इनमें से 4585 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब कुल मिलाकर बात करें एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केसेस में 2939 जो एक्टिव केस है प्रदेश में वो भी मौजूद है। और साथ ही जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या प्रवासियों की सामने आ रही है और प्रदेश में अब तक बात करें तो 2349 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लगातार जहाँ जयपुर में सबसे अधिक अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में आज हालांकि 9 बजे के बुलेटिन में 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी बीच जयपुर की जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1934 हो गई है। ऐसे में रिकवरी की बात करें तो जयपुर में अब तक 1514 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इनमें से 1354 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो अब प्रदेश में जयपुर में एक्टिव केसेस में 331 एक्टिव केस है वो अभी जयपुर में है। फिलहाल इसी के बीच में बात करें तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल को जहां कोविड के लिए डेडिकेटेड जो अस्पताल घोषित किया गया था। जी लोकेश, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 8414 ये संख्या हो चुकी है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम एहतियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार से आगे की चुनौतियों से लड़ने के लिए हम सशक्त हो सकें। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, क्या हालात हैं फिलहाल झुंझुनू में? देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो सामने आते जा रहे हैं, तो कितने लोग वहां पर ठीक हुए हैं? सुजीत, क्या हालात झुंझुनू में, किस प्रकार से देखिए जैसे कोरोना के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या हालात हैं, कितने लोग वहां पर ठीक हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं झुंझुनू के अंदर जो कोरोना है वो काफी जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है। कुल मिला के कल जो कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं वो एक साथ चौदह कोरोना पॉजिटिव केस झुंझुनू के अंदर मिले हैं और अब तक कुल मिला के 123 केस है जो झुंझुनू के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं अभी तक। जी कितने लोग रिकवर हो चुके हैं सुजीत? जी अभी रिकवरी की अपन बात करें तो रिकवरी भी जो झुंझुनू के अंदर है वो काफी तेजी से हो रही है। करीब 70 के करीब जो लोग है वो कोरोना पॉजिटिव जो रिकवर हो चुके हैं अभी तक। बिल्कुल सुजीत, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लगातार कोरोना के आंकड़े हर जिले से हम आपको बता रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो रिकवरी रेट है वो भी हाई है, लोग ठीक हो रहे हैं। लगातार तमाम एहतियात के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। गांव में भी बहुत अच्छे हालात हैं। खुद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है गांव की। उन्होंने ये कहा कि शहरों के मुकाबले गांव के जो लोग हैं वो ज्यादा सजग हैं इस चीज को लेकर के। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में बढ़ते हुए, जयपुर में आज एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई और प्रदेश में अब तक 185 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। 5244 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं।